सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पुराने पोल के साथ। तो भैया पोल कुछ ऐसा हुआ कि मैं डालना भूल गया, तो चलो कल का पोल आज दोबारा पूछ लेते हैं। जहां दोस्तों सवाल ये है कि फिलहाल अभी आप जो देख रहे हैं वीडियो को वो मोबाइल डेटा से देख रहे हैं या फिर वाईफाई से, क्या भैया यूज हो रहा है आजकल, मुझे बताना जरूर क्या है आपकी तरफ से जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए। आज याद रखूंगा पोस्ट करना नीचे कॉमेंट करते हुए, और हमेशा की तरह ही बस पूरी ताकत के साथ में बस दबा डालिए, एक अंगूठा ही तो लगाना है, मतलब कुछ लोग हाँ दो हाथ से यूज करते हैं तो उंगली से दबता है, लेकिन सीधा बस लाइक बटन को। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके, निकल के आते हैं भैया नोकिया के एक फीचर फोन के लीक को लेके, जहां पर दोस्तों ये एंड्रॉयड चलता हुआ पकड़ में आया है। हालांकि ये लीक दोबारा से हुआ है शायद, बिकॉज पहले भी ऐसे कुछ दोस्तों सिमिलर लीक हुआ था नोकिया की तरफ से। अभी एग्जैक्टली नोकिया क्या कर रहा है बजट फोन लाइनअप में, कौन से नए फोन लेके आएगा, क्या क्या कुछ होगा जलवा, वैसे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बजट फोन का वीडियो लेके आने वाला हूँ। कुछ क्रेजी कर देंगे नोकिया के उस फोन के साथ है, मतलब 3000 किलो का वजन डाल देंगे सीधा उस फोन के ऊपर। स्टे ट्यून्ड उस वीडियो के लिए। क्या आप गेस कर सकते हो कि वीडियो क्या है नीचे कमेंट कर दो ना, मैंने कॉज पहले एक बार आपको खैर उसकी हिंट दी भी थी। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल आईफोन 12 को लेके, और यहाँ पर दोस्तों मालूम चलता है कि एप्पल आईफोन 12 जो है उसकी कीमत कम होने वाली है। मतलब भाई एप्पल निकल जाएगा बिल्कुल एकदम देव मानुष, जहाँ पे दोस्तों हमको देगा काफ़ी कम कीमत के अंदर आईफोन, ऐसा फिलहाल गैर रिपोर्ट से मालूम चलता है। अभी एग्जैक्टली कीमत क्या होगी या क्या होगी डिटेल्स उसके बारे में खैर कोई ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन रूमर्स ही चल रहे हैं कि जो आईफोन 12 है उसकी कीमत काफ़ी कम होगी। मतलब इमेजिन करो कि इंडिया में और सस्ता अगर आईफोन आ जाएगा तो फिर तो वन प्लस वगैरह की तो बैंड बच जाएगी, मतलब अगर कीमत कम हो गया ज़्यादा आईफोन की। देखते हैं एग्जैक्टली खैर आईफोन का क्या सीन रहता है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है गूगल की तरफ से, और ऐसे दोस्तों गूगल ने टेस्ट किया है कलाइडियोस्कोप को, जहाँ पर दोस्तों बात ऐसी हो रही है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज बहुत सारी सब एक साथ आ जाएं, एक साथ मतलब भैया आपने किया साइन इन तो उसके बाद में आप सभी को एक साथ एंजॉय कर पाएंगे, मतलब काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी अप्रोच है। देखते हैं एग्जैक्टली खैर ये भी कैसे काम करती है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल फोन को लेके, और ऐसे में मैं आपसे कल बात कर रहा था कि सैमसंग जो है वो एक बजट फोल्डेबल फोन जो है वो लेके आ सकता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी वाईफाई अलायंस से सामने एक सर्टिफिकेशन के दौरान लीक हुआ है कि मतलब कोई तो एक बजट फोल्डिंग फोन आ रहा है सैमसंग की तरफ से। अभी वो एग्जैक्टली किस कीमत का होगा और कब तक मार्केट में आएगा वो खैर बड़ा सवाल है, लेकिन खैर बहुत लोगों के दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी कि कम कीमत में हमको मिलने लगेगा अगर फोल्डिंग स्मार्टफोन। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में भैया टिकटॉक की तरफ से, और टिकटॉक के जो एग्जीक्यूटिव है दोस्तों वो बोल रहे हैं कि यूएस में मल्टीपल तरीके हैं उनके पास में जिंदा रहने के लिए। मतलब भैया जो उनके ऊपर अभी घुटन का पूरा माहौल बना हुआ है, बोलते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, हम जो है वो जिंदा रह के दिखाएंगे, मतलब हम सर्वाइव कर लेंगे इस मार्केट में। वैसे इंडिया में तो 30 जून के बाद से ही चुप्पी है चारों तरफ टिकटॉक की। क्या आपको दोस्तों लगता है कि इंडिया में टिकटॉक आएगा या कब तक आएगा, या मतलब बस अब हो चुका है भैया सब कुछ खेल खत्म टिकटॉक का, मन की बात है क्या है, थोड़ा विचार अपने नीचे लिख के प्रकट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में टेस्ला की तरफ से। दोस्तों टेस्ला जो है वो यूज़ करना चाहता है रेडार सेंसर्स को, और ऐसे में दोस्तों ये पता लगाएगा कि मतलब कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि गाड़ी में कोई बच्चा वगैरह है, और अगर पेरेंट्स जाते हैं दोस्तों कहीं मॉल में गाड़ी में बच्चा कई बार जो है वो मिस कर जाते हैं, कई बार बैक सीट पर होता है, कई बार घर वगैरह के अंदर भी सीन हो जाता है, और ऐसे में काफ़ी हादसे भी हो जाते हैं बिकॉज बंद गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पे टेस्ला रडार सेंसर की वजह से मतलब उसको काम में लेते हुए इस चीज को रोकने की प्लानिंग कर रहा है कि मतलब ताकि आपको एक अलर्ट आ जाए कि भैया गाड़ी में आप जो है वो अपने बच्चे को भूल गए हैं। तो अभी एग्जैक्टली देखते हैं कि ये चीज कब तक आखिर रोल आउट हो पाती है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एस पेन जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का है उसकी कीमत को लेके, भैया अगर आप उसको तोड़ दें कहीं घुसा दें कहीं वो ख़राब हो जाए, मतलब अगर आपको चेंज करना पड़े तो आखिर वो कितने का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसकी प्राइस निकल के आई है $40। हालांकि कलर यहाँ पे कॉपर लिखा है, इसका तो मिस्टिक ब्रॉन्ज कलर होना चाहिए था, खैर फोन कलर भी सेम ही है। तो इंडिया में अभी मेरे ख्याल से वही
ढाई तीन 4,000 रुपये का होगा ये एस पेन, अगर आपको एक नया चाहिए या दो दो चाहिए बस चाहिए मतलब एक्स्ट्रा, क्या पता। यहाँ पर दोस्तों अगली कहानी निकल के आती है हमारे पास में, वावे मेट 40 सीरीज को लेके कुछ दोस्तों यहाँ पे लीक्स भी निकल के आए हैं, कुछ यहाँ पे रेंडर्स भी निकल के आए हैं। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि जो वावे का मेट 40 लाइनअप है वो आखिर क्या कुछ नया लेके आता है, बिकॉज कैमराज में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वावे क्रेजी करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों गूगल पिक्सल 5 के बारे में भैया हमको अपडेट मिल जाते हैं कि यहाँ पे 90 हर्ट्ज का ओलेड स्क्रीन हो सकता है और ऐसे में 8 GB तक की रैम हो सकती है। मतलब पहली बार ऐसा होगा दोस्तों गूगल का फ्लैगशिप पिक्सल फोन होगा वो फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ में नहीं आएगा, यहां पे ये काइंड ऑफ एक प्रीमियम मिड रेंज फोन जैसा ही होगा। अब बस देखते हैं कि ये फोन कब लॉन्च होता है, ऑल्दो ये इंडिया में तो आएगा नहीं, इंडिया में तो हम सिर्फ पिक्सल 4a को ही देख रहे हैं फिलहाल और वो भी अभी अक्टूबर में ही लॉन्च होगा। यहां पर दोस्तों ओप्पो रेनो 5 जो है वो भी जल्दी ही आ सकती है सीरीज, मतलब ओप्पो रेनो काफी जल्दी दोस्तों जो है वो नए नए मॉडल्स निकालता जा रहा है। तो यहां पे मालूम चलता है कि ये आने वाला है स्नैपड्रैगन 775G के साथ में, जो कि अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ है क्वालकॉम की तरफ से। तो ये दोस्तों लगता है कि शायद इस फोन के साथ में अनाउंस वगैरह भी हो जाएगा, और इसके अलावा स्नैपड्रैगन 860 भी होगा एक प्रोसेसर। तो एग्जैक्टली भैया ओप्पो के दिमाग के अंदर भी क्या चल रही है बातें पता नहीं, देखते हैं एग्जैक्टली ये रेनो 5 भी कब तक लॉन्च होता है। यहां पर दोस्तों अगली कहानी निकल के आती है हमारे पास में फॉर्टनाइट को लेके, और ऐसे दोस्तों फ्री फॉर्टनाइट पूरी एक मुहिम चल चुकी है, बिकॉज गूगल और एप्पल से हो चुका है भैया बिल्कुल एकदम क्लैश फॉर्टनाइट का। तो अभी यहां पे दोस्तों फ्री फॉर्टनाइट टूर्नामेंट जो है उसमें एंटी एप्पल गुडीज रखी हैं प्राइस वगैरह के हिसाब से, मतलब एप्पल का मजाक बनाते हुए एप्पल को टॉन्ट करते हुए। आपको क्या लगता है कि इस पूरी बैटल में जीत किसकी होगी, एप्पल की या फिर फॉर्टनाइट जो है वो वापस से आ जाएगा बिल्कुल एकदम फ्रेश? वैसे क्या आपको फर्क पड़ा है, फॉर्टनाइट अब नहीं रहा या मतलब अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब क्या आप फॉर्टनाइट खेलते भी हो क्या? बिकॉज इंडिया में इतना पॉपुलर है नहीं, इंडिया में तो पबजी और फ्री फायर और COD वगैरह यही चल रहे हैं भाई। आपने वैसे क्या कम इंटरेस्ट दिखाया है? मेरा भतीजा बहुत खेलता है फॉर्टनाइट वैसे, मतलब क्योंकि कुछ मार्केट्स में फॉर्टनाइट बहुत पॉपुलर है। आपकी कहानी क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अगला अपडेट निकल के आता है सोनी के एक नए सॉफ्टवेयर को लेके, जहाँ पे अभी आप अगर करते हैं भैया वीडियो कॉल तो आप और खूबसूरत लग सकते हैं, बिकॉज अभी आप सोनी के बहुत सारे कैमराज को एज अ वेबकैम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ने फंक्शनैलिटी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ने रोल आउट की थी अपने अलग अलग कैमराज के लिए, फिलहाल ये काम अभी सोनी में भी होना शुरू हो चुका है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात होती है टिकवॉच GTX स्मार्ट वॉच को लेके, ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे आपको मिलेगी 7 दिनों तक की बैटरी लाइफ और जो कीमत है वो है 5,669 रुपये, मतलब 5669 मतलब 99 होता है 90 होता है 69 बता नहीं कहाँ से आया बीच में, लेकिन हाँ ये कीमत है टिक वॉच GTX की इंडिया में। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है LG के Q92 5G फोन को लेके, जो दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो काफ़ी एक अफोर्डेबल 5G फोन आ रहा है LG की तरफ से। तो उसकी लाइव फोटोज कुछ लीक हो गई हैं, अब लगता है जल्दी लॉन्च होगा इंडिया में, पता नहीं फिर अब LG इसको लॉन्च करेगा या नहीं। यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है Asus Zenfone 7 को लेके, और इसके दोस्तों कुछ लाइव फोटोज लीक हुई हैं अगेन लॉन्च से पहले ही, जहाँ पे वो क्लियरली दिख रहा है फ्लिप कैमरा मैकेनिज्म। और यहाँ पर दोस्तों ये एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है हमको इस बार इसी Zenfone 7 लाइनअप में। अभी Zenfone 7 प्रो जो होगा क्या पता उसके अंदर क्वाड कैमरा हो या वो भी ट्रिपल कैमरा के साथ में आएगा। बाकी दोस्तों खैर यहाँ पे देखते हैं फोन का डिजाइन वगैरह कैसा है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर हमको शायद साइड में या सामने की तरफ मिलेगा, बिकॉज पिक्चर तो खैर हमको देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये है कुछ कहानी Zenfone 7 सीरीज की, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।